अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर जैसे ही पुनर्रोजगार SC ST छात्रवृत्ति में 150 करोड़ के घोटाले, निजी शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस वसूलने, केंद्रीय विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार द्वारा धांधली से उनके इस्तीफे व मामले की न्यायिक जांच की मांग की, रेगुलेटरी कमीशन चेयरमैन को पद से हटाने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग, SC चुनावों की मांग को लेकर धर्मशाला महाविद्यालय से लेकर कचहरी अड्डा तक जिला स्तरीय रैली निकाली। इस रैली में जिला भर के अनेकों महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रांत सह मंत्री ABBP राहुल राणा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर उनकी उपरोक्त मांगों को जल्द नहीं माना गया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने इस आंदोलन को उग्र करते हुए आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर जिला स्तरीय रैली का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग और SC चुनावों और बढ़ती फीस वृद्धि, इन तमाम मामलों को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि हिमाचल प्रदेश प्रांत कार्यकारिणी द्वारा जो है शिक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर जो है पहले जो है 10 से 12 तक अगस्त को जो है वो बैठक हुई थी। इस बैठक के अनुरूप जो आंदोलन बना प्रदेश में शिक्षा संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जिनमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का इस्तीफे की मांग हो, गैर शैक्षणिक पदों में न्यायिक जांच की मांग हो, या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में SC चुनाव की बहाली की बात करें, या फिर हम लोग जो है वो इस विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को लेकर जो है नौणी और कृषि विश्वविद्यालय में बढ़ती फीस मनमानी से जो फीस वसूली जा रही है, ऐसे सभी शिक्षण संबंधित सभी मुद्दों, शिक्षा संबंधित सभी मुद्दों को लेकर जो है आज पूरे प्रदेश में जो है प्रदेश के जिला केंद्रों में जो है आज इस रैली का आयोजन विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में जा रही है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम? अगर विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को जो है अभी तो हम लोग सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं इन इस रैली के जरिए, अगर आने वाले समय में अगर सरकारें नहीं सुनती है या इस शिक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर सुदृढ़ नहीं करती है, शिक्षा मुद्दों को लेकर नहीं सोचती है, नहीं कोई कार्रवाई करती है, तो विद्यार्थी परिषद जो है इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी और आने वाले समय में हम लोग प्रदेश की शिक्षा जो है वो बंद करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहे कोई विश्वविद्यालय, हम लोग आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा बंद करेंगे अगर इन मुद्दों को लेकर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाती।